आज हम पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे। पिछली कक्षा में आपने नागरिक शास्त्र में संविधान को पढ़ा होगा, पर आज हम संविधान को गहराई से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न ये कि संविधान क्या है। अगर मैं दो लाइन में आपको बताना चाहूं संविधान क्या है, तो संविधान नियम और कानून का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश के शासन का संचालन किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि संविधान किसके लिए है, तो संविधान नागरिकों के लिए है। अब ये नागरिक कौन है? हम मानव ही तो नागरिक हैं। तो संविधान की आवश्यकता या नियमों की आवश्यकता ये हमें आज से तो नहीं है, पहले से भी रही होंगे। तो देखते हैं प्राचीन काल से मानव को नियमों की आवश्यकता कैसे होती है। मानव जो है पहले अकेला था, उसके बाद किसी से मिला तो परिवार बना, परिवार से फिर समूह, फिर समाज बने। अब ये जो समाज में मानव रहता है तो मानव का एक स्वभाव है लालसा का, और खास तौर पर संपत्ति की लालसा का स्वभाव है। मानव ने भूमि पर कब्जा कर लिया, फिर दूसरे मानव ने भी किसी की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में संपत्ति के लिए इनके बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। ऐसे में किसी ने सोचा होगा कि इन संघर्षों को रोकने के लिए हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए, और वो जो नियम जो हैं वो सामाजिक नियम कहलाते थे, जो समाज में संघर्षों को रोकने के लिए बना था। अब फिर धीरे धीरे ये जो समाज है कालांतर में ये बढ़ते गया, समाज से फिर नगर बनना शुरू हो गया, नगर से फिर राज्य, फिर राज्य से देश बनना शुरू हो गया। तो पहले तो ये सामाजिक नियम थे, उसके बाद प्रशासनिक नियम बनने शुरू हो गए, फिर यही अधिनियम बना, और इन्हीं अधिनियमों के संग्रह की जो किताब थी उसको आधुनिक काल में संविधान का नाम दे दिया गया। अब संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो चार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके लिए संविधान आवश्यक है। तो जिसमें पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। मानव एक बड़े समूह में रहता है, और इस बड़े समूह की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषता है भिन्नता। जैसे धर्म को लेकर भिन्नता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। योग्यताएं भी देखें तो अलग अलग है सबकी योग्यता। व्यवसाय के आधार पर भी देखें तो व्यवसाय में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ये जो समाज है और इस समाज के जो सदस्य हैं ये एक दूसरे से बहुत सारे मामलों में भिन्न है। जैसे किसी को संगीत सुनना पसंद है तो किसी को संगीत से ही नफरत है, किसी को सिनेमा पसंद है तो किसी को सिनेमा नहीं पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को पढ़ना भी पसंद नहीं है। अगर हम इनसे जीवन से संबंधित कोई प्रश्न इनसे पूछे कि एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, तो कोई कहेगा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई कहेगा कि जितना चाहे उतना रख सके। अगर प्रश्न इनसे पूछा जाए कि स्कूल में पढ़ना या शिक्षा व्यक्ति के लिए अनिवार्य होनी चाहिए कि नहीं, तो कोई कहेगा कि होनी चाहिए अनिवार्य, तो कोई कहेगा नहीं, माता पिता की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबके सोच विचार
सब कुछ भिन्न है, और ऐसी भिन्नता में ये साथ कैसे रहेंगे? पर इस समाज की विशेषता ये है कि भिन्न है पर इनको रहना साथ में है। क्यों साथ में रहना जरूरी है? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी है, उसे पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन इनमें भिन्नताएं हैं। तो ये जो समाज है मानव का, इसमें शांतिपूर्वक तरीके से ये अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमें बुनियादी नियम की आवश्यकता होती है। सोचिए कि अगर ये बुनियादी नियम ना हो तो ये समूह के सदस्य हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे? कैसे पता चलेगा कि किस चीज पर, किस वस्तु पर किसका अधिकार होगा या नहीं होगा? इसलिए बुनियादी नियम की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नागरिकों में विश्वास भी होना चाहिए कि दूसरे नागरिक इन नियमों का पालन करते हैं कि नहीं। यदि उनको विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों उन नियमों का पालन करेंगे? इसलिए बुनियादी नियम बनेंगे तो नियमों का पालन कराना भी जरूरी है। अब ये बुनियादी नियम जो है, इसका पालन कौन कराएगा? ये न्यायपालिका कराएगी, क्योंकि ये जो नियम है न्यायालय में प्रवर्तित रूप में होता है, और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान जो है उन बुनियादी नियमों का समूह है जो लोगों में न्यूनतम समन्वय और तालमेल बढ़ाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है निर्णय निर्माण की शक्ति की विशिष्टता। आपने ये तो जाना कि जो संविधान है वो बुनियादी नियम है, पर ये बुनियादी नियम कौन बनाएगा? प्रश्न ये उठता है कि ये बुनियादी नियम है ये हमें कैसे पता चलेगा और इसको बनाएगा कौन? एक व्यक्ति कहेगा मेरा जो नियम है वही सही है, दूसरा कहेगा कि मैंने जो नियम बनाए हैं वो सही है। तो नियम बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देती है। संविधान ही शक्तियों का वितरण करती है कि कौन नियम बनाएगा। तो जैसे हम सैद्धांतिक रूप से देखें, पुराने समय में देखें, तो जो राजा हुआ करता था वो ही कानून बनाता था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर राजा भी मंत्री परिषद से सलाह लेकर कानून बनाता था। और अगर हम किसी और देश को अगर हम देखें तो कुछ पार्टी जो होती है, पार्टी विशेष जो होती है वो कानून बनाती है। या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में यूनान की पद्धति को देखें तो जितनी बार वो कानून बनाते थे उतनी बार वो जनता से सहमति लेते थे। अब प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होना शुरू हो गया है, तो प्रतिनिधि जब कानून बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, उन प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार से होगा, इसका भी उत्तर संविधान ही देता है। जैसे कि भारत में जो अधिकतर कानून है वो संसद ही बनाती है। संसद का गठन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली होगी, ये संविधान ही बताती है।
ये हम जान गए कि संसद कानून बनाती है, तो कानून बनाने का भी अधिकार जो है वो संविधान ही संसद को देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संविधान का दूसरा काम है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरा मुद्दा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। हमने ये तो जाना कि संविधान क्या है, कानून कौन बनाएगा, तो कानून सरकार बनाएगी। सरकार जो कानून बना रही है, क्या जनता उस कानून को स्वीकार करेगी यदि वो अनुचित हो या अन्यायपूर्ण हो, जैसे कि किसी जाति या धर्म के लोग किसी कुएं का पानी नहीं पी सकते, या कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता, या किसी विशेष रंग के कपड़ों को नहीं पहन सकता। ऐसे कानून अगर सरकार बनाएगी तो क्या नागरिक उन कानूनों का पालन करेंगे, नहीं करेंगे? तो नहीं करने के लिए भी उनके पास अधिकार का होना जरूरी है, जिससे वो अनुचित कानून का विरोध कर सके। तो संविधान जो है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देती है। अलग अलग देशों के संविधानों में मौलिक जो अधिकार है उसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग है, पर किसी ना किसी रूप में वो नागरिकों को अधिकार देते हैं। जैसे कि भाषण देने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से अधिकार देते हैं। और ये अधिकार इतने मौलिक होते हैं कि सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यही सरकार पर सीमाएं लगाती हैं कि वो किसी भी प्रकार के अनुचित और अन्यायपूर्ण कानून जो है वो नागरिकों के लिए नहीं बना सकती। अतः इसका जो तीसरा जो काम है वह है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। हमने देखा संविधान क्या है, नियम है, वो नियम कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी। नागरिक हैं, उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब बचा क्या, समाज, जिसमें भिन्नता है, इसमें विषमता है। इस विषमता को भी तो दूर करना पड़ेगा। इसके उत्तर जो है वो भी संविधान देता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या होने चाहिए। जैसे कि पुराने समय में जो संविधान था वो सिर्फ सरकारों में शक्तियों का वितरण और उस पर जो सीमाएं हैं उस तक ही सीमित था, पर 20वीं शताब्दी के बाद हम देखें तो इसमें हम भारत का उदाहरण हम ले सकते हैं। हम अगर राजनीति सिद्धांत की बात करें तो स्वतंत्रता है वो पहले आती है, उसके बाद में समानता आती है। पर भारत के संविधान में अगर आप अधिकारों की बात करो तो पहला जो अधिकार है वो समता का अधिकार है। समता का अधिकार जिसे भारत ने पहले अधिकार के रूप में रखा, क्यों रखा होगा? क्योंकि भारत में विषमताएं बहुत थी और इन विषमताओं को दूर करना जरूरी है। ये विषमता आर्थिक आधार पर भी हो सकते हैं, कोई गरीब है तो कोई अमीर है। सभी व्यक्ति तो अमीर नहीं हो सकते, ना सभी व्यक्ति गरीब नहीं हो सकते। तो हर एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा होना भी जरूरी है। जातिगत विषमताएं भी बहुत हैं जिसे दूर करना भी जरूरी है। तो संविधान
ही बताती है कि राज्य के लक्ष्य क्या हैं और राज्य की आकांक्षाएं क्या होनी चाहिए। पर 20वीं शताब्दी के बाद अगर हम संविधान के उदाहरण में देखें तो भारत का जो संविधान है सबसे सुंदर इसका उदाहरण है। भारत के संविधान में पहला जो अधिकार है समता का अधिकार है, लेकिन जब हम राजनीति शास्त्र के सिद्धांत को देखते हैं तो समानता से पहले स्वतंत्रता आती है, पर भारत ने समता के ही अधिकार को पहला अधिकार रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में असमानताएं बहुत थी, तो इन असमानता को दूर करने के लिए समता लानी जरूरी है। भारत में विषमता बहुत थी, जातिगत आधार पर विषमता बहुत, धार्मिक आधार पर विषमता, और अमीरी और गरीबी की भी विषमता है, तो इन विषमताओं को दूर करना भी जरूरी है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन का उपनिवेश आयरलैंड, सबसे पहले वो ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ। जब वो आज़ाद हुआ तो उन्हें ये महसूस हुआ कि सरकार का जो काम है सिर्फ शोषण करना नहीं है, लूटना नहीं है, सरकार के भी दायित्व होते हैं कि वो राज्य के लिए, समाज के लिए, नागरिकों के लिए कार्य करें। तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्व बनाया जो राज्य अपने नागरिकों के लिए करता है। और भारत ने इस विचार को, नीति निर्देशक तत्व को, आयरलैंड से ग्रहण किया है। इन नीति निर्देशक तत्वों में समाज को एक लोक कल्याणकारी बनाया जाता है, लोगों की जो मिनिमम जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। ये संविधान बताता है कि समाज के लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकारों को इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव जो है वो बहुत पुराना है, तो यहाँ जब नया संविधान बनाया गया तो इन्होंने नस्लीय भेदभाव को ही मिटा दिया। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का एक पिटारा होता है। भारत के संविधान निर्माताओं की इच्छा यह थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुनियादी भौतिक जरूरतें हैं या शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है गरिमा के साथ समाज में सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके। तो संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करती है, इसमें सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम भी उठा सकते हैं जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सकता है। जैसे भारत के संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले जो प्रावधान हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सामर्थ्य प्राप्त हैं, और मौलिक अधिकारों वाले भाग में भी हमको देखने को मिलता है। तो संविधान का चौथा काम यह है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब ये भी देखते हैं कि संविधान के सामर्थ्य बनाने वाले प्रावधान ऐसे कौन कौन से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है को अनेक तरीके से उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के कदम उठाने का अधिकार देते हैं। यह प्रावधान भी धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भारत में भी यही संविधान ने उत्तरदायित्व सौंपा है कि पर्यावरण का संरक्षण करे, भेदभाव को दूर करे, विषमता है, गरीबी है उसको दूर करे, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी सरकार लोगों की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। संविधान में ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे व्यक्ति के जीवन को ना बदल सके। इंडोनेशिया की सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखे और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। सबसे पहले बुनियादी नियमों के आधार पर शासन हमें व्यवहारिक रूप से कहाँ देखने को सर्वप्रथम मिलता है, तो वो है यूनान। यूनान जो विश्व का सबसे पहला प्रजातंत्र था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्यों? क्योंकि उस समय यूनान छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और उनकी जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हुआ करता था। और यूनान में एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी पर्ची व्यवस्था। अब उस पर्ची व्यवस्था में होता ये था कि जितने भी यूनान के जो नागरिक हुआ करते थे उनके नामों की पर्ची डाली जाती थी, और जिस व्यक्ति के नाम की पर्ची निकलती थी वो व्यक्ति शासन करता था। सोचिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसके नाम की पर्ची निकले तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छा शासन कर सकता है, लेकिन यदि एक मूर्ख व्यक्ति के नाम की पर्ची निकले तो क्या वो एक अच्छा शासन कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने इस पर्ची व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि देश में शासन का संचालन करना है तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, क्या गुण और दोष के आधार पर शासन का संचालन किया जा सकता है? क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती, कोई अनुचित कार्य नहीं हो सकते, क्या कोई असामाजिक कार्य नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति में भावनाएं हैं, लालसाएं हैं, तो उससे भी गलती हो सकती है। तो प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने विरोध किया कि नहीं, शासन किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं, शासन नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम भारत की तरफ देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें प्रशासनिक नियमों का संग्रह है। अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त ने इसी अर्थशास्त्र का अनुसरण किया और नंद साम्राज्य का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य जो साम्राज्य था वो पूरे भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रंथ का अनुसरण किया था? अर्थशास्त्र का अनुसरण किया।
अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि जिसके प्रेरणा कई शासन काल में कई शासकों ने की है। ब्रिटिश शासन ने भी अर्थशास्त्र से प्रेरणा ली है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी तब ब्रिटिश सरकार कई सारे एक्ट कंपनी के लिए बनाते थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। जब ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करते थे तब वो भी नियम बनाते थे, अधिनियम बनाते थे, जैसे 1858 का एक्ट वहां से लेकर 1935 तक का भारत शासन अधिनियम। जैसे ही भारत आजाद होने वाला था तो भारत को भी इन नियमों की आवश्यकता थी और भारत ने भी संविधान सभा का गठन किया कि भारत को संचालित करने के लिए एक नियम होने चाहिए। तो भारत ने भी संविधान सभा का गठन किया और भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो संविधान जो है सभी शासनकाल में संविधान की आवश्यकता या नियम और कानून की आवश्यकता सभी को होती है।